नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन खबरें। डालगंदो गांव के खाता नंबर 1 में वन विभाग द्वारा कराए जा रहे ट्रेंच कटवाने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध, तो वन विभाग ने मुकदमा करने की दी धमकी। मामला बेंगाबांध के डालगंजो मौजा से संबंधित है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि खाता नंबर 1 की जमीन के 3 हिस्सेदार हैं, जिसमें मात्र एक हिस्सेदार ने कुछ जमीन बेची है। जरूर है कि किंतु वह अन्यत्र स्थान पर। कहा कि गायों को चराने व बैठने के लिए यह जमीन हम लोगों ने छोड़ी थी, किंतु वन विभाग जबरन कब्जा कर रही है। कहा कि वन विभाग कार्यालय भी कई बार जा चुके हैं, किंतु स्पष्ट कोई जवाब नहीं देते पदाधिकारी। हालांकि उक्त मामले में बीएनबी टीम ने वन विभाग पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो सका। फिलहाल कार्य जारी है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। वन विभाग के द्वारा ट्रेंच कटवाए जाने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जमीन हमारी है। मामला बेंगाबाद के डालगंदो गांव की है। बताया जाता है कि कुछ ग्रामीणों ने कहा कि खाता नंबर 1 की जमीन 3 हिस्सेदारों की थी, जिसमें एक हिस्सेदारों ने जमीन कुछ बेची थी लेकिन अन्यत्र स्थान पर बेची थी, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग के द्वारा बाजबरन कब्जा कर लेने का प्रयास किया जा रहा है। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को मना करने पर, विरोध जताए जाने पर मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं। बहरहाल इस मामले में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह मामला हकीकत क्या है। फिलहाल वन विभाग के द्वारा जेसीबी मशीन से ट्रंच कटवाने का कार्य जारी है। इधर इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि गाय चराने के लिए व गायों को यहां बिठाने के लिए यह जमीन हम लोगों ने छोड़ी थी, लेकिन आज बाजबरन वन विभाग के द्वारा कब्जा कर लिया जा रहा है, जो बिल्कुल अनुचित है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग के कई बार कार्यालयों का चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन वह कोई भी पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इधर बाजबरन जेसीबी मशीन से जमीन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बेगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। यह डालगंदो मौजा है, हम लोग चितमाड़ी बगल में ही चितमाड़ी निवासी हैं। यहाँ डालगंदो मौजा का खाता नंबर 1 के हम लोग हकदार हैं, जिसमें यहाँ पर जब कुछ समय पहले हम लोग चरवाहे के लिए इस जगह को हम लोग छोड़ रखे थे, क्योंकि हम लोग का गाय वगैरह कहाँ चरती, यहाँ जंगल भी था तो उसमें चरवाहे के लिए रखे हुए थे। लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ट्रेंच करवा दिया गया है। कौन करवा दिया गया? ट्रेंच तो करवाया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि कंपनी द्वारा आप लोगों से जमीन ली गई है। तो हम लोगों ने जब पता किया तो हमें ये पता चला कि हमारे हिस्सेदार में से कुछ लोगों ने जमीन बेचा है। हम लोग मुख्यतः खाता नंबर 1 के 3 हिस्सेदार हैं। 3 हिस्सेदार में एक हिस्सेदार ने बिल्कुल कुछ भी नहीं बेचा है, एक इंच भी नहीं बेचा है। बाकी जो 2 हिस्सेदार है उसमें कुछ कुछ जमीन बेचा गया है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेंच कोड़ा गया है तो तीनों हिस्सेदार में से किसी का जगह ना छोड़ करके पूरी तरह से सामने से कोड़ दिया गया है। जब हम लोग यहाँ रोक के लिए आए तो हम लोग के ऊपर यहाँ जो वन अधिकारी हैं, वनरक्षी हैं, उनके द्वारा हम लोग के ऊपर काम रोके जाने पर केस करने की बात की जा रही है। और हम लोग को कुछ पहले आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे आप लोग बात कीजिए रेंजर वगैरह से तो कुछ हल होगा। लेकिन हम लोग वहाँ पर कई बार जा चुके हैं, कुछ आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन ये हम लोग बोले कि आप कम से कम काम रुकवाइए, लेकिन काम को रुकवाया नहीं जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गड्ढे भी खोदे गए हैं, जो कुछ देर में पेड़ भी लग जाएंगे। पेड़ लगने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सब किसान यहाँ पे जमा हुए हैं और हम लोग का विचार ये है कि हम लोग का जो जो हिस्सा बनता है उसके सीमान में उसके बराबरी का हम लोग ट्रेंच को भरने का विचार कर रहे हैं। क्या मामला है? जी, मैं संजय कुमार चितमाड़ी मान निवासी है। जी, हम लोग का दिक्कत है कि जो ये जमीन दिख रहा है आपको, ये फॉरेस्ट विभाग ने क्या है कि आगे आगे से पूरा ले लिया है, जो कि हमारे हिस्सेदार में कुछ ही लोग जमीन बेचा है, बाकी हम लोग का जो जमीन है उसको पीछे गड्ढे के साइड में छोड़ दिया जंगल की तरफ। इसीलिए हम लोग का इसमें विवाद है कि हम लोग 3 हिस्सेदार हैं हमारे खतियान के अनुसार से, चितो मातो, अनूप मातो, निर्मल मातो, जिसमें कि चितो मातो से हम हैं संजय कुमार वर्मा, जो कि हमारा 1 इंची भी जमीन हमारे हिस्सेदार का नहीं बिका है, इसमें बेचे हैं। लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने हमारे जमीन पे भी कब्जा कर लिया है, ट्रेंच व्रेंच कटवा दिया, पेड़ लगा दिया, जिसमें हम वनरक्षी से बात किए थे तो वनरक्षी ने हमको धमकी दिया
बोला अगर हमारे गड्ढे को कोई अगर गिरा देते हो, कोई नुकसान पहुंचाते हो तो खाली नाम बताओ, मैं केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। तो हम लोग कुछ डर्स के मारे कुछ किए नहीं, बस यही मीडिया बीएनबी से हम लोग सहायता चाहते हैं कि हम लोग को कैसे किया जाए कि हमारा जो हिस्सेदार वो जो मेरा हिस्सा जमीन है वो भी कब्जा कर लिया है, वो हमको हमारा रास्ता नहीं जाने का। देखिए सर, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि कहीं से रास्ता है, आगे से देखिए पूरा घेर रखा है, किसे जाने का किसी तरह से रास्ता ही नहीं हम लोग के पास। को जाएंगे तो घर पे मना कर दिया, जो कि हम लोग यहाँ का रेती हम लोग है, जो रेती जमीन हमारा है उस पे हम लोग को धमकी दिया जाता है। टोटल 35 प्लॉट है सबका, जो कि हमारा 35 प्लॉट है यहाँ पे अगल बगल ये आगे पीछे इधर है, 27 एकड़ जमीन है, उसमें से सब आगे आगे का रोड के किनारे वो काट लिया है, पीछे छोड़ दिया है। बस इसी के लिए हम लोग मीडिया के सहायता लिए हैं, बीएनबी सच है तो बोलेगा जी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।